हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमने ये बात की थी कि सूरज के अंदर एक काला धब्बा दिख रहा था, और हमने ये बात भी की थी कि एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर धरती की तरफ आएगा। इसी वजह से वो चर्चा में था, अब वो आ चुका है। जैसा कि सिद्धांत सर ने कल ही या परसों वीडियो बनाया था कि उन्होंने खुद ये बताया था, स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म में भी हिट अर्थ ऑन दिसंबर 70। तो जो वैज्ञानिक अंदेशा लगा रहे थे, उनका जो अंदेशा था वो यह था कि वह 8.00 यूटी टाइम, ठीक है, यानी कि हम इंडियन टाइम से अगर हम कहें तो ये लगभग रात के 1:30 बजे, ठीक है, मतलब आज सुबह 1:30 बजे हमें ये महसूस हुआ होगा, ये धरती तक आया होगा। तो ये जो सोलर फ्लेयर है दोस्तों, धरती तक आ चुका है, और जैसा कि मैं बताऊं ये 14 दिसंबर के आसपास भी ये आया था, लेकिन ये कई लेयर्स में आएगा। और जैसा कि वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि 2017 के बाद से ये सबसे बड़ा एक सोलर स्टॉर्म है, मतलब उसके बाद से उनके बीच में अभी तक ऐसा स्टॉर्म नहीं आया था। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो सन है वो क्या करता है, अपना 11 साल पे एक साइकिल पूरा करता है, और वो साइकिल लगभग पास आ गया था। आप देखेंगे 2023 खत्म होने को है, तो 1 साल के आसपास रह गया है, तो ये साइकिल पूरा हुआ था, इसी वजह से ये सोलर स्टॉर्म आते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये साइकिल क्या होता है, साइकिल ये होता है दोस्तों कि जो सूरज होता है हर 11 साल में क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक पोल है, साउथ पोल है, जो उसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वो क्या होंगे, हर 11 साल में ऐसे करके बदल जाएंगे। मतलब साउथ पोल इधर चला गया, नॉर्थ पोल इधर आ गया, फिर 11 साल के बाद क्या होगा, फिर से ये ऐसे बदल जाएंगे, मतलब हमेशा एक्सचेंज करते रहते हैं। आप सोचेंगे एक्सचेंज मतलब, यानी कि सन क्या करता है 11 साल में अपनी जो दिशा है पूरी तरीके से बदल लेता है। ऐसा मत सोचिएगा कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है वो ऐसे मिल के गए बदल गए, ऐसा नहीं था। सूरज क्या करता है, हर 11 साल के टर्म में क्या करता है, अपना रोटेशन करता है, अपना पोल्स बदलता है, पोल की डायरेक्शन बदलता है, और उसी की वजह से ये जो फ्लेयर्स आते हैं ये ज्यादातर आते हैं, जो धब्बे आते हैं इसी वजह से ये आते हैं। तो दोस्तों हम ये समझेंगे और ये देखेंगे कि आखिर जो सोलर फ्लेयर आ रहा है वो किस रेंज का है, किसने इसके बारे में बताया और कैसे ये पैदा हुआ, इसको समझेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनसे बचाती है, और जो सैटेलाइट पे अटैक्स होते हैं इनके, जो रेडियो ब्लैकआउट पैदा होता है, जो सैटेलाइट हार्म्स पैदा होते हैं, जो सैटेलाइट के ऊपर घटनाएं होती है, सैटेलाइट खराब हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, इनको हम समझेंगे। लेकिन पूरा मुद्दा इस पर रहेगा कि सोलर फ्लेयर्स कैसे काम करते हैं, और इस बार का सोलर फ्लेयर इतना ज्यादा अलग क्यों है, जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, इतना ज्यादा अलग क्यों है। अगर आप देखेंगे द मॉन्स्टर्न सोलर फ्लेयर डिसरप्ट कम्युनिकेशन इन द यूएस, स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म में भी हिट ऑन अर्थ 17 दिसंबर, जैसा कि मैंने बताया था, तो यहां पर यह हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि जो इसकी जानकारी देता है, जो खास करके स्टॉर्म जो होते हैं, जो तूफान होते हैं, उनकी जानकारी देता है, और तूफान किस रेंज के हैं, इन सब की जानकारी देता है नोआ, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा लेखा जोखा रखता है कि जो तूफान आ रहे हैं उनकी क्या स्पीड है, उनकी गति क्या है, जो तूफान आ रहे हैं वो किस लेवल के हैं, तो ये सारी जानकारी नोवा देता है। नोवा ने ही बताया था कि ये जो आएंगे कई सारे लेयर्स में तूफान आएंगे। इस बार का जो तूफान है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार का जो तूफान है दोस्तों ये कई लेयर्स में आ रहा है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, यहां से आप समझेंगे, ठीक है, कैसे ये कई लेयर्स में आ रहे हैं। यहां पे अगर आप देखिए, ठीक है, ये एक तरीके से क्या लिया गया है, जो सन है उसको एक तरीके से लेंसिंग कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है उसके आने वाले रेडिएशन को। तो इस वजह से क्या है कि हमें सन की इमेज नहीं दिख रही, इसके चार इधर हमें कौन सी इमेज दिख रही है, जो तूफान यहां से आप निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो तूफान यहां पे है, ठीक है, ये यहां पे तेजी से निकल रहा है। तो आप देखेंगे यही जो तूफान है दोस्तों, जैसे हमारी यहां धरती है तो यही तूफान यहां तक आएंगे, ठीक है, यहां आ रहे हैं। अब आप इसमें, जैसा कि मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा एक धब्बा था, बहुत बड़ा एक क्या था, डिसबैलेंस था, जिसकी वजह से काला धब्बा बना, और वो क्या कर रहा है कि कई लेयर्स में ये तूफान निकाल रहा है जो हमारी धरती तक आ रही है। देखा, 14 दिसंबर को भी आया, 17 को भी आया, हो सकता है एक दो दिन ये और आता रहे, इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत बड़े औरास पैदा होंगे। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस बार का जो तूफान है उसको मॉन्स्टर तूफान क्यों कहा जा रहा है। ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, ये आम है, लेकिन इस बार का क्यों, आखिर आज लगभग 8-8 साल के बीच में ऐसा क्यों हुआ, कितना बड़ा तूफान आया। तो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि यहां पे उन्होंने क्या किया है, अपना कुछ पैरामीटर बनाया है, ठीक है, तूफानों का। जैसे हमारे आप देखेंगे हवा का तूफान आता है, कहते हैं हल्का फुल्का है, तेज आता है, साइक्लोन आ गया, तो ऐसे कई सारे
एक है लेवल भी स्ट्रीम है, तो यहाँ पे भी ऐसे बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि जो M1 M2 के तूफान होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, M1 जो है माइनर है, M2 क्या है मॉडरेट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जब आगे इसके बढ़ते हैं तो यहाँ से शुरू हो जाता है X1 और X10 और X20। तो यहाँ पे जो सोलर फ्लेयर है दोस्तों, ये सोलर फ्लेयर भी क्या है, एक तरीके से X लेवल का फ्लेयर है, ठीक है, X लेवल का तूफान है, इसी वजह से ये खतरनाक माना जा रहा है। अभी जो आया था, जो 14 दिसंबर को आया था, वो जो फ्लेयर था, वो जो तूफान था, वो उसकी जो कैपेसिटी थी वो X1 नहीं थी, वो क्या थी, इसके बीच में आप चलेंगे तो आती है X2, ठीक है भाई, X1 X2 X9 तब टेन तक जाएंगे। और जो 17 सितंबर को जो आया था, जो आज आया है, जो कल जो भी चलता रहेगा तूफान, इसकी जो कैपेसिटी है X3 है, ठीक है, X3 से लेके X5 के बीच में है, ठीक है, मतलब X2 से ज्यादा है, X10 के बीच में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि स्ट्रांग है, थोड़ा सा स्ट्रांग से ज्यादा भी है, और इसीलिए ये वैज्ञानिकों को हैरान करता है। अब आप सोचेंगे सर इतना ज्यादा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ऐसा इसलिए नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, आप समझिए कि एक तरीके से क्या है, सुरक्षा कवच है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, सुरक्षा कवच है। जब ये सोलर वाइंड आते हैं तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं, ये आयनाइज्ड होते हैं, ये आते हैं, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या करता है, इनको बाहर से रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से ये यहाँ से निकल आउट पास हो जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा ही चीज है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा बॉल है जिसके ऊपर आप कितनी भी बारिश करें, इतना चिकना है कि जो बॉल है वो बारिश को क्या, जो वाटर उसको क्या करेगा, हटा देगा। यानी कि एक बॉल पे अगर आप ढेर सारा ऑयल लगा दीजिए, बहुत सारा तेल लगा दीजिए, तो उसके ऊपर पानी गिराइए तो वो कभी भीगेगा नहीं, क्योंकि जो ऑयल होते हैं उसको हटा देंगे। तो एक तरीके समझिए कि अगर ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या करता है, यहाँ से रिपेल कर देता है, यहाँ से हटा देता है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड सभी पार्टिकल को हटाता है, लेकिन जो तूफान आते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। आयनिक मतलब इनके ऊपर चार्ज होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस चार्जिंग न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जब आते हैं तो ये इनको क्या करता है, रिपेल कर देता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पोल है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मौजूद जो ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इन सबसे टकराते हैं। अब इनमें टकराने की वजह से क्या होता है, आप देखेंगे ये जो कलर्स होते हैं ये पैदा होते हैं। कलर्स क्यों पैदा होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर लेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उनसे वो टकराएंगे तब वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और लाइट पैदा करेंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन की, हर एटम की अपनी अपनी कैपेसिटी है, जिसके हिसाब से वो क्या करता है, लाइट पैदा करता है। इसी वजह से आप देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट आपको यहाँ पे दिखते हैं, कभी ज्यादा नीचे टकरा रहा है, ऑक्सीजन से टकरा रहा है तो ऑक्सीजन का अलग कलर आपको दिखेगा, नाइट्रोजन से टकराएगा नाइट्रोजन अपना अलग कलर निकालेगा, हाइड्रोजन से टकराएगा हाइड्रोजन अपना अलग कलर निकालेगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ब्लू, पिंक, रेड, ये सारी चीजें क्या होते हैं, अलग अलग एटम से टकराने की वजह से निकलते हैं। अब अलग अलग एटम कहाँ पे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी अपनी कुछ और होगी, तो ऑक्सीजन थोड़ा सा अगले सरफेस पे होगा, जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी और कम होगी वो और ऊपर होगा। सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर होगा। यानी कि ये जो कलर अगर पैदा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से पैदा हो रहा है, ठीक है, आप इससे ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग जो पार्टिकल होते हैं इनकी वजह से ये होता है। अब सबसे बड़ी चीज क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पे कि जब ये आते हैं, ठीक है, जब ये हमारे सरफेस में आएंगे, ठीक है, तो एक चीज हमें दिखता है, रेडियो ब्लैकआउट। रेडियो ब्लैकआउट का क्या मतलब है, यानी कि जो सैटेलाइट है, आप क्या करते हैं, जो सैटेलाइट हमें कम्युनिकेट करती है, हमें मदद करती है कम्युनिकेट करने में, वो किसके द्वारा मदद करती है, रेडियो वेव के द्वारा। यानी कि जो रेडियो आप घर में लगा के सुनते थे, टी 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 बजाते, उसमें एक एंटीना लगा होता था, तो वो क्या होता है, रेडियो सिग्नल को क्या करता था, कैप्चर करता था और ट्रांसमिट करता था। अब जो रेडियो होते हैं ये किसके द्वारा पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पैदा होते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब हम क्या करते हैं, एस्केलरेट कराते हैं, यानी कि उसकी स्पीड की गति को लगातार बढ़ाते रहते हैं, तब क्या होता है, हमें ये रेडियो वेव्स लगातार मिलते रहते हैं। अब समस्या क्या है, समस्या ये है, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर आप जानते हैं उसके अंदर क्या होता है, लगातार करंट फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से वो काम करता रहता है, उनके सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये होती है कि जब ये तूफान आएंगे, तूफान अपने साथ क्या लाते हैं, तूफान अपने साथ लाते हैं चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तूफान अपने साथ लाते हैं, यहाँ पे
देखेंगे ये चार्ज पार्टिकल होते हैं जो यहां से निकलते हैं, इनके पास चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब जब ये तूफान आएंगे सर्किट पार्ट से गुजरेंगे तो वो क्या होंगे, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे वायर के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड जब एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अनडायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन से भटकेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि करंट फ्लो में डिस्टर्बेंस आएगा। यानी कि अगर आपका बल्ब है, तूफान आया, अब बल्ब में क्या हो रहा है कि कभी लाइट आई कभी नहीं आई, कभी आई कभी नहीं आई, रुक रुक के कभी तेज कभी ज्यादा, अनडायरेक्शनल वे में आ रहा है, तब क्या होगा आपका जो ये वायर है या जो आपकी सॉरी आपका जो बल्ब है ये फ्यूज कर जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे सेटेलाइट के साथ है, जब क्या होता है जब ये ढेर सारे फ्लेयर्स आते हैं सेटेलाइट के पास तो क्या होता है कि उनके जो करंट हैं फ्लोइंग रेट्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उनके आसपास से कभी पॉजिटिव प्रोटॉन उसमें वायर में घुस जा रहा है, कभी कुछ घुस जा रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेवल पे आके चले जा रहे हैं तो करंट हाई कर जा रहा है, ठीक है, कभी उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अनडायरेक्शनल वे में मूव करने लग रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि करंट का जो लेवल है बार बार डिस्टर्ब होता है और इस वजह से क्या होता है जो रेडियो ब्लैकआउट पैदा होता है क्योंकि सेटेलाइट में प्रॉब्लम आने लगती है। और ये सारी चीजें हैं, इसी वजह से सैटेलाइट कभी कभी पूरी तरीके से खराब भी हो जाते हैं। इसीलिए ये जो सोलर स्टॉर्म होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। खतरनाक इंसानी तौर पे तो इतना नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इंसानियत खत्म हो जाएगी, बहुत कम चांस है कि जब बहुत बड़े लेवल पे आए तो फिर हो सकता है, अदरवाइज हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इन आयनिक पार्टिकल को आराम से ही क्या करती है, इनको पास होने देती है, ठीक है, बिना लड़े बिना जूझे वो पास हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत बड़े होंगे तो थोड़ा सा खतरा होता है क्योंकि हमारी सैटेलाइट है जितना पैसा लगा है वो हमारा पूरा पूरा खराब हो सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि लोग भी इसके बारे में जान पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।